अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए आज हम बनाते हैं घर पे ही एक टेस्टी नमकीन। ये व्रत में खाने के लिए हमने बनाई है स्पेशल। आप अगर इसको चाहें तो बिना व्रत के भी बनाकर इसका टेस्ट उठा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी है। आइए हमने किस तरीके से बनाया है आपको दिखाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए तो बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने तीन आलू ले लिए हैं और ये कद्दूकस कर लिए हैं। ये जो कद्दूकस की मोटी साइड होती है, इस साइड से हमने कद्दूकस किए हैं और इन्हें 5 से 6 बार धो लिया है। आपको इसमें सबसे ज्यादा जो ख्याल रखना है इसके धोने का रखना है। इनको देखिए, हमने धो के पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर लिया है और ये 5 से 6 बार धोने के बाद हमने इन्हें आधे घंटे इसी पानी में डालकर छोड़ दिया है। ये देखिए, इससे ये करारे बनते हैं। पानी में डालने से इनकी जो नरमाई होती है ये खत्म हो जाती है। ये देखिए, पानी में से निकाल कर हम इसे इसमें छन्नी में डाल देंगे। ये देखिए, अब हम ये हमारा किचन टॉवल है, इस पर निकाल लेंगे। देखिए, ये इस तरीके से हम इस कपड़े से इसे सुखा लेंगे। ऐसे इसे हमने बिल्कुल हल्के हाथ से ही करना है, ज्यादा नहीं करना। आइए, एक कपड़ा फैला लेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए इस पर डाल देंगे। और इस पर हम ऐसे थोड़ी देर के लिए, देखिए इन सबको हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही हवा में छोड़ देंगे। ये देखिए, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे पंखे की हवा में छोड़ दिया था। और ये देखिए, अच्छे से हरे हरे हो चुके हैं, यानी इनका पानी अब निकल चुका है। और इनको हम सबको इकट्ठा कर लेंगे। आइए देखते हैं हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं। हम एक डाल कर देती हूँ। हाँ, हमारा तेल गर्म है। गैस को मीडियम कर लेंगे और इसमें ये डाल देंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे हम। ये देखिए, इनका कलर भी बदल चुका है। हमारे पास ड्राई कड़ी पत्ते हैं, ये डाल इन्हें भी फ्राई कर लेंगे क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। हल्के से करने हैं बस इनको फ्राई, जिससे ये कुरकुरे हो जाए। आइए इनको निकाल लेते हैं, इसे भी इसी में डाल देंगे। ये हमने मूंगफली ली है, ये कच्ची मूंगफली है, इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। इनको निकाल लेंगे, बस ये सारी चटक चुकी है, इन्हें निकाल लेंगे। देखिए, कुछ किशमिश ली है हमने, 3 चम्मच के करीब है, ये भी डाल देंगे। क्योंकि हम इन्हें व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए इसमें खाली हम सेंधा नमक और काली मिर्चें डालेंगे। नमक मिर्च अपने आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हमने आधा चम्मच लिया है सेंधा नमक और आधा चम्मच ही हमने काली मिर्चें ली है। ये काली मिर्च का पाउडर है, ये डाल देंगे। देखिए, काफी क्रिस्पी बने हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये कड़ी पत्ते थोड़े से हम चूर लेंगे, एकदम करारे हो रहे हैं ये। ये देखिए, हमारी नमकीन व्रत में खाई जाने वाली तैयार है।
आप इसे बिना भर्त के भी बनाकर खा सकते हैं। बस इसमें आप चाट मसाला और मिला लीजिए और ये बहुत टेस्टी बनी है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।